हाँ, तो शुरुआत मैं आसन से करूंगा, संक्षेप में बताऊंगा आसन के बारे में। आसन ऐसा हो, आरामदायक हो, हमारी पीठ इसमें सीधी रहे, बहुत ज्यादा अकड़ी हुई सीधी ना हो, और ज्यादा हम झुकेंगे तो हमें आलस होगा इससे, और हमारा ध्यान ठीक से हम बरकरार नहीं रख पाएंगे। तो आसन हमारा सीधा हो, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं या सुखासन या पद्मासन पे बैठ सकते हैं, जमीन पर या किसी गद्दे पर। आवश्यक यह है कि आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपके आसन से जो आपको आपकी साधना में दिक्कत दे। कुर्सी पे बैठे हैं तो आप अपने पीठ के निचले हिस्से को थोड़ा सहारा दे सकते हैं, आधार दे सकते हैं एक छोटे तकिए से या एक तौलिए से। आपकी पीठ सीधी हो, आपके साधना के दौरान आपने बिल्कुल हिलना नहीं है, मुस्कुराते रहना है, ये एक मुस्कुराने वाली साधना है। सारे समय जब आपको याद आए मुस्कान आपकी चलती रहे, मुस्कान से हमारी साधना में ऊर्जा भी आती है, दिलचस्पी आती है, और इससे हमारा मन भी उत्कृष्ट रहता है, जिससे भटकते हुए ध्यान को, भटकते हुए मन को पहचानना भी आसान हो जाता है। तो ये मुस्कुराना बहुत अहम हिस्सा है। तो साधना की शुरुआत में पहले हम ऐसा कोई प्रसंग या कोई घटना याद करेंगे हमारे जीवन से जब हमें बहुत सुख, शांति और संतुष्टि का आभास हुआ हो। वो घटना याद करके उस समय जब जैसे हमारा मन था, वो एहसास हम याद करेंगे, वो भाव हम याद करेंगे और हमारे हृदय के केंद्र में रखेंगे। फिर हम कामना करेंगे कि ये भाव अपने आप को भेजते हुए कि मैं इसी तरह खुश रहूं, सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, शांत रहूं, ये हमने अपने लिए कामना करनी है। पहले 10 मिनट यही हम करेंगे। इस जो हमारे जीवन में बीती हुई घटना, जो कि जिस वक्त हम बहुत सुखी थे, संतुष्ट थे, वो भाव याद करना है हमने, वो भाव हमने अपने आप को भेजना है। पहले 10 मिनट ये करेंगे, अगले 20 मिनट हम अपने आध्यात्मिक मित्र को यही भाव भेजेंगे। आध्यात्मिक मित्र चुनने का तरीका ये है, एक ही आध्यात्मिक मित्र हम रखेंगे इस अभ्यास में। आध्यात्मिक मित्र ऐसा हो जो जीवित हो, परिवार का सदस्य ना हो, ऐसा हो जिसके लिए हमारे मन में बहुत आदर हो, जिसके लिए अच्छा सोचने में हमें कोई झिझक ना हो, और वो भी ऐसा ही हमारे बारे में सोचते हों, हमारा भला समझते हों, ऐसा कोई आध्यात्मिक मित्र होना चाहिए। ऐसा कोई आध्यात्मिक मित्र होना चाहिए जिसकी तरफ कोई शारीरिक आकर्षण होने की संभावना ना हो, क्योंकि उनके बारे में हम लगातार सोचेंगे, उनको हम ये भाव भेजते रहेंगे तो हमारा मन और किसी दिशा में भटकना नहीं चाहिए। जैसे ही हम बैठेंगे थोड़ी देर में हमारा मन किसी और विचार पर चले जाएगा, या तो कोई शारीरिक चीज पर कि कहीं खुजली हो रही, कहीं दर्द हो रहा है, या हमें हिलने का मन कर रहा है, इस तरीके से किसी चीज पर ध्यान जाएगा, या किसी दैनिक जीवन में से, कार्य में से, निजी जीवन में से कोई विचार आएगा, कोई प्रसंग उठ के आएगा, उस पर हमारा ध्यान भटकेगा। हमें यह सबसे पहले पहचानना है कि हमारा ध्यान भटक चुका है, कि एक विचार आया है जिससे हमारा ध्यान चला गया है, ये पहचानना हमारा पहला कदम है। दूसरा कदम है उस विचार को रहने देना, कि हमने अपना ध्यान उस विचार पर लगा के नहीं रखना है, ये दूसरा कदम है, यानी रिलीज स्टेप। तीसरा कदम है रिलैक्स स्टेप। हमारे मन में या बदन में, खासकर मन में, एक तनाव पैदा होता है जब किसी विचार ने हमारे ध्यान को खींच लिया होता है, आकर्षित कर लिया होता है। इस तनाव को पहचानें और इसको ढीला करें, यानी ढीला करें या शांत करें, यानी रिलैक्स करें, ये तीसरा कदम है। चौथा कदम है दोबारा हमारी मुस्कान वापस लाना, इससे हमारा मन उत्कृष्ट होता है। ये सही व्यायाम, सम व्यायाम का एक अंश है कि एक उत्कृष्ट मन पर हमने वापस अपने ध्यान को लाना। तो चौथा स्टेप या चौथा कदम है हमारा रीस्माइल।
यानी कि मुस्कुराना। पांचवा कदम है वापस हमारा ध्यान वो भाव अपने आप को या अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजने पर लाना है। इसे हम रिटर्न स्टेप कहते हैं। इस भावना को हम मंगल मैत्री की भावना कहते हैं, जो ये सुख शांति की भावना जो हमारे मन में उत्पन्न होती है उसे मंगल मैत्री की भावना कहते हैं। ये भाव हमें वापस भेजना है, ये पांचवा कदम है। छठा कदम है रिपीट। इसका अर्थ ये है कि जब जब हमारा मन भटके, हमारा ध्यान भटके किसी विचार पर, तब यही साइकिल हमने, यही कदम हमने रिपीट करने हैं। और ये भी हमें बताता है कि ये स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान इधर उधर आकर्षित होगा, भटकेगा। तो इससे ये साधना शुरू करते हैं। 10 मिनट अपने आप को आप मंगल मैत्री की भावना भेजेंगे और 20 मिनट अपने आध्यात्मिक मित्र को। मैं घंटी बजाऊंगा, उसके बाद आधे घंटे के बाद दोबारा घंटी बजाऊंगा आधे घंटे की समाप्ति पर। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर का सत्र शुरू करेंगे। एक बार और विनती करता हूँ कि एक मुस्कान अपने चेहरे पर लाएं ताकि हम अपनी साधना आरंभ कर सकें।
मेरा अनुरोध है कि सब अपना वीडियो करें। अभी फिलहाल जूम का दौर चल रहा है, अथवा जब शिविर होता है तो एक दूसरे की मुस्कान देखकर भी हमें बहुत फर्क पड़ता है। तो एक बार बस पूछना चाहूंगा, किसी को कोई तकलीफ हुई बैठने में या किसी चीज में तकलीफ हो रही थी, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं आपकी अभी जो अभ्यास किया उसके बारे में, या जो आप अगर जो रोज अभ्यास करते हैं उसके बारे में? शरद जी पूछिए, आप म्यूट पे हैं। शरद जी पूछ सकते हैं सवाल। नमस्कार सबको। नमस्कार। मेरे लिए तो ये पहले ही बार की ही साधना थी, तो मेरे को कई बार आसन बदलना पड़ा और कमर के जो निचला हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच गुजरता है, वहां से मेरे को मतलब पेन बहुत ज्यादा था। जनरली मैं नीचे ही बैठता हूँ दूसरी मतलब परंपराओं में ध्यान के लिए, तो एकदम ईमानदारी से मैं बोलूं तो मेरा एक सेकंड के लिए भी जो है मैत्री के लिए मन तो नहीं स्टेबल नहीं हो पाया। और बार बार जब भी मैंने जो आपने टेक्निक बताई और दूसरे भी वीडियोस मैंने देखे हैं भंते जी के शिक्षार का प्रयास के लिए, तो हर बार ये हुआ कि मेरा मन सांस पे ही आया है, मैत्री के लिए तो मेरा मन स्टेब्लिश नहीं हो पाया, एक एक सेकंड भी नहीं हो पाया। और लगभग आधे घंटे के सत्र में 3-4 बार मुझे मेटी जो आसन होना चाहिए मतलब पैर का, वो 3-4 बार मेरे को बदलना पड़ा। यही मतलब इससे कैसे करके अपने को इसको साधना को पुष्ट करना है, इसी के बारे में बतलाई। ठीक है, एक तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार आप उठ जाइए और मुझे बताइए कि अभी दर्द हो रहा है कि नहीं। अच्छा, एक बार बस आप हिल के मुझे बताइए कि दर्द हो रहा है कि नहीं। नहीं, अभी तो दर्द नहीं हो रहा। हाँ। साधना के दौरान ही हुआ है। तो दो चीजें होती हैं, या तो आपको कोई शारीरिक कठिनाई हो, कोई जैसे आर्थराइटिस होता है लोगों को, या सीधी सी बात है कई लोगों को आदत नहीं होती है जमीन पर बैठने की, आप कह रहे हैं कि आपको आदत है, तो ये जो दर्द उठता है ये एक इसको मेडिटेशन पेन या ध्यान का दर्द कहते हैं। ये ऐसी चीज है जिसको जैसे आप बाकी विचारों को एक अड़चन की तरह, एक डिस्ट्रैक्शन की तरह देखते हैं, वैसे ही दर्द के साथ भी हिले बिना आप वही 6-7 जो 6 कदम है इसको पहचाना, आपने पहचाना कि एक दर्द का एहसास उत्पन्न हुआ है, आपने कहा कि मैं इस पर ध्यान नहीं रखूंगा अपने इसी के नाते मैंने आसन बदलने का जो प्रयास किया वो इसीलिए किया कि आसन बदलने के बाद क्या पेन बरकरार है, तो वो बमुश्किल 1-2 सेकंड थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, उसके बाद फिर पेन था। तो एक आप एक चीज आप कर सकते हैं कि अगली बार जब अभ्यास करें तो कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, ये जरूर देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा 6ठा कदम है रिपीट, वो इसलिए है कि कुछ चीजें, कुछ विचार, कुछ चीजों पर हमारा मन आराम से भटक जाता है। तो जैसे आज ये जितना आप ध्यान देंगे उस दर्द पर उतना वो दर्द बढ़ते जाएगा, ये आपने
कई बार आपने जीवन में महसूस किया हो कि जैसे आपको कुछ आप काम में बिजी हैं और उस समय आपको कहीं चोट लगती है तो उस पर ध्यान ज्यादा ज्यादा जाता नहीं है, आपका ध्यान कहीं और होता है तो वो दर्द का एहसास भी नहीं होता। तो एक तो आप इसको ध्यान दे रहे हैं उससे दर्द बढ़ रहा है, दूसरा आप कुर्सी पर बैठेंगे तो उससे जरूर आपको आराम मिलेगा। तीसरी चीज है मेरा दूसरा प्रश्न, दूसरा पार्ट भी मैत्री की भावना के बारे में आपने पूछा ना, तो दो तीन चीजें आप कर सकते हैं मैत्री की भावना के लिए। एक तो जो सबसे अहम आसन है हमारा मुस्कुराना, ये आप पूरे दिन में अगर मुस्कुराते रहेंगे, जब जब याद आए आप मुस्कुराते रहेंगे तो हमारे मन में जो तनाव होता है जो कि मैत्री की भावना उत्पन्न करने में कठिनाई पैदा करता है, तो ये तनाव कम होते रहता है। और ये तनाव हमारे पहले के सत्र में मैंने बात करी है कि तृष्णा का ये लक्षण होता है ये तनाव, तो जितना आप मुस्कुराएंगे उतना आसान होगा। दूसरी जो बात है कि आपने जो आध्यात्मिक मित्र चुना है, क्या उसके लिए मंगल मैत्री की भावना भेजना, उसके भले के लिए सोचना, उसके लाभ के लिए सोचना, क्या ये आपके लिए आसान है, स्वाभाविक है कि ये मुश्किल है, कि मतलब कभी कभी इस व्यक्ति के प्रति अच्छा लगता है कि इसके लिए अच्छा सोचूं, कभी नहीं लगता है कि अच्छा सोचूं। तो एक तो ये आध्यात्मिक मित्र का जो आपने चुना है वो भी जरूरी है। तीसरी चीज है कि अगर आपको 10 मिनट से ज्यादा लगता है, कई लोगों को लगता है कि अपने लिए ये भावना थोड़ी देर और आप दे सकते हैं अपने आध्यात्मिक मित्र पर जाने के पहले, कि आपका एक बार पेट भर जाए उसके बाद अपने मित्र को आप मंगल मैत्री की भावना भेजें। ये दो तीन चीजें आप कर सकते हैं। तो एक बार सोचिए क्या आपको आध्यात्मिक मित्र बदलने की जरूरत है, क्या आप दिन भर मुस्कुराएंगे वैसे ही उससे आपके मन की स्थिति में परिवर्तन होगा, आपको मंगल मैत्री भेजने में ज्यादा आसानी होगी। आप पहली बार कर रहे हैं, पहले आप रोजाना करते हैं अभ्यास किसी और साधना का या रोजाना? रोजाना नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जैसे शिविर में भी आते हैं लोग तो पहले एक दो दिन लग जाते हैं मन थोड़ा स्थिर करने में, दैनिक जीवन में काफी मन हमारा इन्वॉल्व रहता है, अलग अलग चीजें जो हो रही होती हैं, तो एक वो जो हमारा एक एक प्राकृतिक लेवल ऑफ तनाव, जो हमारा एक बेस स्टेट ऑफ मेंटल टेंशन होता है कि एक तनाव हम हमेशा साथ में लेके चलते हैं, तो उसे ढीला करने के लिए मुस्कुराना बहुत फायदेमंद रहता है। तो आप मुस्कुराते रहिए, ये आपके अगली बार जब अभ्यास करेंगे तो आपको काफी अंतर महसूस होगा। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम मन के और ध्यान के भटकने की प्रक्रिया से परिचित हो रहे हैं, तो जितनी बार भी मन भटके अगर आप उसको वापस लेके आते हैं तो अगली बार धीरे धीरे आप इस चीज से ज्यादा परिचित होंगे कि जब हमारा मन भटकने लगता है उसी समय आप उसको महसूस कर पाएंगे और उस पे आप अपना ध्यान नहीं लगाएंगे तो वो बढ़ेगा नहीं। तो जो एक पोषण होता है एक विचार का, वो हमारा ध्यान होता है। किसी चीज के बारे में अगर हम नहीं समझ ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो खुद ब खुद हमारे मन को आकर्षित नहीं कर पाता, लेकिन हम जैसे उसको ध्यान देते जाते हैं तो उसका पोषण होता है, वो विचार बढ़ते जाता है और वो बार बार, एक बार ही नहीं, बार बार आपके मन को खींचते जाएगा। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि जितनी बार आपका मन भटके आप वापस लेके आइए, पहचानिए उस ध्यान को, उस विचार से विचार के साथ रखने का नहीं रखने का निर्णय लीजिए, मन में जो तनाव है उसको ढीला या शांत करिए। अब मुझे पता नहीं क्योंकि ये बाकी परंपराओं में ये बहुत विशेष ये स्टेप नहीं होता, ये कदम नहीं होता, तो शायद उसमें भी आपको
धीरे धीरे आपको परिचित होना पड़ेगा उस चीज से कि आप तनाव को कैसे आप ढीला कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आप दोबारा मुस्कुराइए और अपना ध्यान वापस अपनी ओर या अपने मित्र की ओर लेकर आइए, और जितनी बार मन जाए उतनी बार रिपीट करिए। हर बार आप करेंगे, हर बार धीरे धीरे आपकी स्मृति, आपकी माइंडफुलनेस की क्षमता बढ़ती जाएगी। तो आपके चार बार आपके अभ्यास में बहुत बार आपका मन भटके, पांचवी बार उसका फायदा मिलेगा, छठी बार उसका फायदा मिलेगा, जो आपने शिक्षा के जरिए जो आप अपने ध्यान को वापस लाते हैं। और यही करना है, सांस के ओर भी आपका ध्यान जाए। तो इस साधना के लिए जब आप बैठे हैं तो आपके ध्यान का साधन श्वास नहीं है, आपके ध्यान का साधन मंगल मैत्री की भावना है। तो ये भी एक विचार की तरह, इसको भी हमने उसी तरह ट्रीट करना है, एक डिस्ट्रैक्शन की तरह, और वापस हमारा मन लेकर आना है। राजीव जी, तो मेरे पास दो दो प्रश्न है। एक तो है कि जो जो स्मृति मैं याद करता हूँ तो वो बदल जाती है, कि कोई जो अच्छी घटना हुई है जिसमें मतलब अंदर बहुत खुशी महसूस हुई है तो उसको याद करता हूँ। तो जैसे आज जब मैं कर रहा था तो वो घटना जो है बार बार बदल रही थी। तो और दूसरा जो है कि क्या मतलब एक ही स्मृति पे रहना है कि वो स्मृति बदलनी चाहिए जब आप आपका ध्यान आता है। दूसरा है कि आध्यात्मिक मित्र मेरे मतलब मेरे मस्तिष्क में दो लोग आ रहे थे, तो कभी एक, तो क्या एक ही आध्यात्मिक मित्र इस साधना में रखना चाहिए कि दो हो सकते हैं? धन्यवाद अंशुमन जी, आपके सवाल का मेरे ख्याल से और लोगों को भी फायदा होगा, तो अच्छी बात आपने पूछा। तो पहला सवाल जो आपने पूछा कि स्मृति का जो प्रसंग है, जो घटना आपने याद करी है जिससे आप वो भाव उत्पन्न कर रहे हैं, क्या ये बदल सकता है? जी हाँ, बहुत संक्षेप में उत्तर है इसका। ये बदल सकता है क्योंकि हमने जो अपने हृदय के केंद्र में रखना है, जो अपने आप को भेजना है, जो अपने मित्र को भेजना है, वो भाव है। तो वो भाव उत्पन्न करने के लिए ये तो मैं कहूँगा अच्छी बात है, और आपके सुखद घटनाएं आपको याद आ रही हैं। जीवन में नहीं करते हम याद, हमेशा ज्यादातर दुखद घटनाओं को लेकर हमारा मन ज्यादा परेशान रहता है, उसमें इन्वॉल्व रहता है, तो ज्यादा आ रही हैं तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन उस प्रसंग या उसकी कहानी में आपने नहीं घुसना है, वो याद करना है आपने, वो एक आधार बन रहा है आपके लिए वो भाव उत्पन्न करने के लिए। भेजना हमने वो भाव है, ये भाव जैसे हम भेजेंगे तो वो हमारी इस साधन का जरिया है, ठीक है। तो पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल आपका था कि क्या मैं आध्यात्मिक मित्र को बदल सकता हूँ? तो जैसे आपकी साधना में प्रगति होगी तो आप और कई लोगों को भेज पाएंगे, लेकिन अभी जब हम अपनी साधना का स्थापन कर रहे हैं, अपने अभ्यास का प्रारंभ कर रहे हैं, तो इस समय एक व्यक्ति के साथ करना जरूरी है। आप एक ही व्यक्ति को ये मंगल मैत्री की भावना भेजेंगे आप, क्योंकि एक अपने ध्यान को एक आपका जो एक साधन है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, उस पर आप एक आलंबन जो है उस पर आप स्थापित करने की का अभ्यास कर रहे हैं। तो एक ही आध्यात्मिक मित्र के साथ अभी आप काम कर। धन्यवाद। अच्छा, एक और पूछ सकता हूँ? मैं रोज आनापान करता हूँ सुबह उठ के 10 से 15 मिनट, तो अभी जो आनापान की जो अभ्यास है वो उसमें ये साधना डाल सकते हैं कि आनापान जो है कि आपको सिर्फ अपने श्वास के ऊपर ध्यान देना है, उसी पे रखना है, कि क्या उसमें ये मैं सिर्फ संडे संडे करूँ? ये थोड़ा तो
मेरा जो रिकमेंडेशन है मंगल मैत्री की जो साधना होती है, इसमें दो चीजें मैंने पहले भी आपको बताई थी। तो मंगल मैत्री या श्वास जो है, ये दोनों एक साधन है जो स्मृति या माइंडफुलनेस, ये क्षमता जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्षमता जब हमारा मन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जो भटकता है, इस प्रक्रिया से परिचित होना और एक कुशलता से हमारे ध्यान को वापस लाना, ये चीजें, ये क्षमता हम बनाना चाह रहे हैं। तो श्वास हो या मंगल मैत्री हो, ये दोनों एक साधन है, एक आलंबन है, एक वाहन है इस साधना के लिए कि हम शुरुआत हमारा ध्यान कहाँ रख के कर रहे हैं, यहाँ, और हमारा ध्यान जब भटक रहा है उसको हम पहचानना और वापस लेकर आना। और जितनी देर हम ध्यान बनाते रहते हैं, हमारा मन स्थिर होते रहता है, तो ये जो भटकने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम आरंभ में ही पहचानना शुरू करते हैं। ये भी पहचानना शुरू करते हैं कि जितनी हम उस विचार पर, उस अड़चन पर जब ध्यान देंगे, तो उतनी आसानी से हमारा मन भटकेगा और वहीं पे अटका रहेगा। उसको वापस लाने में भी हमें ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी। तो ये चीज है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, पहले एक सत्र में भी हमारी चर्चा हुई थी इस पर, मंगल मैत्री में एक बहुत बड़ा फायदा है इसमें। एक चीज जो है, मंगल मैत्री हमारे मन में द्वेष, घृणा, इस तरीके के जो भाव है, ये उत्पन्न होने से रोकती है। इससे हमारे मन जो में जो विचार, भटकने वाले विचार आते हैं जो इस रूप के होते हैं, द्वेष या घृणा से जुड़े होते हैं, तो वो कम आते हैं। इससे हमारे दैनिक जीवन में भी द्वेष या घृणा से जो हम काम करते हैं, जो हम एक्शंस लेते हैं, वो करने की संभावना कम होती है, जिससे हमारा शील भंग होता है, जिससे हमारे अभ्यास में और अड़चने आती हैं और तृष्णा पैदा होती है। तो ये एक और फायदा है मंगल मैत्री का। तीसरी चीज है कि मंगल मैत्री जो है वो आपके मन में ज्यादा तेजी से स्थिरता पैदा करती है और खुद ये आपके मन में तनाव कम करती है। तो जो तृष्णा है, जो तनाव है, जिससे ज्यादा आसानी से आपका मन भटकता है, तो ये एक मैं कहना चाहूंगा एक ज्यादा स्टेबल स्टेट है, जो हम जहां से शुरू कर रहे हैं, जो हमारा साधन है, तो ये हमारी ज्यादा स्टेबिलिटी देती है। ठीक है, तो मंगल मैत्री की साधना के बारे में ये टिप्पणी करना चाहूंगा। और मेरा सुझाव तो यही है कि आप मंगल मैत्री कुछ दिनों तक रोज करने की कोशिश करेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो ये भाव उत्पन्न करना भी आपके लिए आसान होगा और इस भाव से आपके मन में जो स्थिरता पैदा होती है वो भी बेहतर होगी। अगर आपको आनापान, और एक और चीज मैं कहूंगा कि कम से कम आधे घंटे के लिए हम जब बैठते हैं, तो 10-15 मिनट जो होता है उसमें हमारा मन स्थिर होने में ही लग जाता है, 10 से 20 मिनट। उसके बाद थोड़ा ज्यादा हमारे स्मृति का विकास उसके बाद होने लगता है। जब एक बार स्थिर हो जाए तब हम समझने लगते हैं हमारा मन कब भटका, हम पहचानने लगते हैं कि हाँ मेरा मन भटका। वरना क्या होता है, पहले 10 मिनट में ऐसा होता है कि मन भटक गया, उस कहानी के बारे में हम सोच रहे हैं, उस कहानी के और चैप्टर्स शुरू हो गए हैं, वहां पे हम पहुंच गए, उसके बाद याद आता है अच्छा हम तो ध्यान करने बैठे, तो समय लगता है। जितना आप ज्यादा समय के लिए बैठेंगे, ज्यादा स्थिरता होगी, तो वो स्थिरता जब हिल जाती है, किसी विचार में हम खो जाते हैं, वो ज्यादा आसानी से, जितना आपका स्थिर बेस होगा, जो शुरुआती आपकी जगह जितनी स्थिर होगी, उतनी आराम से आप अपने मन के भटकने को पकड़ पाएंगे। तो कम से कम आधा घंटा बैठना बहुत फायदेमंद रहता है, ये मेरा सुझाव है। अगर आपको आनापान से काफी लगाव है, काफी पसंद है, तो आप श्वास के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वहां मेरी बस ये मेरा ये सुझाव रहेगा कि वहां भी जब आपका मन भटकता है, तो ऐसे नहीं कि आप
उसको तुरंत आप वापस लेके आए, क्योंकि जब हम वापस लेके आते हैं दो चीजें होती हैं। जैसे हम पहचानते हैं कि हमारा मन भटक गया है, तो सबसे पहले वहां पे भी तृष्णा एक द्वेष पैदा होता है कि मेरा मन भटक गया, फिर मेरा मन भटक गया, क्यों मेरा मन भटक गया, मैं नहीं चाहता था कि मेरा मन भटके लेकिन मेरा मन भटक गया। तो जब हम ये रिलैक्स और स्माइल, ये जब स्टेप हम नहीं करते हैं, जब रिलीज रिलैक्स स्माइल, ये तीन स्टेप जब नहीं करते हैं, तो वो तृष्णा हम वापस लेकर आते हैं अपने अभ्यास में। तो अगर आपको आनापान करना आवश्यक लगता है, आपका आपकी आदत है, आपको लगाव है उस प्रैक्टिस से, तो वहां पे भी जो मन को आप, ध्यान को आप वापस अपने साधन पर लेकर आएंगे, श्वास पर, तो वो 6R के जरिए ही लेकर आएंगे। लेकिन मेरा सुझाव है कि थोड़े समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, अगर आप मंगल मैत्री की का अभ्यास करें, तो बहुत हजारों लोगों में हमने ये देखा है कि जो प्रगति होती है बहुत तीव्र होती है मंगल मैत्री में, जो आपको मैंने बताया था, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में जो आपके कार्य होते हैं उसमें भी अंतर आता है मंगल मैत्री के अभ्यास से, और आपके मन में जो स्थिरता पैदा होती है उसमें भी अंतर आता है, और आपके मन में जो एक तृष्णा होती है उसमें भी अंतर आता है मंगल मैत्री से। तो बस यही सुझाव मैं दूंगा। दूसरी चीज, आपकी बात एकदम सच है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं जब आनापान करता हूँ ना, बहुत सीरियस हो जाता हूँ, मतलब सब कुछ बड़ा सीरियस लगता है कि हाँ, मतलब कुछ बहुत ही अर्थ शैटरिंग सीरियसनेस आ रहा है। हाँ, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि मंगल मैत्री जब करते हैं ना, तो वो जो एक, मतलब आई थिंक स्वाभाविक जो एक अंदर जो सुख होता है उसकी वो महसूस होता है, जो मुझे आनापान में इतना नहीं हो पाता है। आनापान में स्थिरता मिलती है, पर इससे जो एक स्वाभाविक जो, मतलब एक जो हमारी, मतलब प्राकृतिक जो एक खुशी जो होनी चाहिए वो महसूस होती है। तो आपकी बात बहुत सच है, धन्यवाद। और ये यही चीज है मंगल मैत्री से, जो तृष्णा कम होती है, और हम तृष्णा को ही कम कर रहे हैं, हम जो क्रेविंग कहते हैं, हम लगातार उसको कम करते जा रहे हैं और उसको पहचानना सीख रहे हैं हमारी स्मृति के साथ। और वही चीज है जो कि हमें जो वास्तविकता है उसको एक्सेप्ट करने में, उसको उसके साथ सहजता में और शांतिपूर्वक तरीके से रहने में, वही जब तक तृष्णा रहती है वो कहती है कि हमारी वास्तविकता ऐसे नहीं होनी चाहिए, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी दुनिया ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो वो हमेशा तनाव पैदा करता है। जैसे ही ये तनाव चले जाता है, तो आपने जैसे कहा अंदर से एक खुशी आती है। आप याद करेंगे, कभी आप छुट्टी पर गए हों, या जैसे आप सुखद प्रसंग आप जिससे शुरुआत करते हो, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैं, मान लीजिए कि मैं बीच पे बैठा हूँ और बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी हवा चल रही है और बहुत खुश हूँ, मैं छुट्टी पे गया हूँ बहुत दिन के बाद, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इधर दो और पेड़ होते नारियल के तो अच्छा लगता, या समुद्र में चार और लहरें होती। तो मतलब जो एक वास्तविकता है उसके साथ हमारे मन की एक सहजता के साथ रहती है, कि एक तनाव नहीं है कि मुझे चीजें बदलनी है, कि मेरे अनुसार नहीं हो रहा है, जीवन मेरे अनुसार नहीं है, इसमें कुछ अंतर लाना है। तो वो जो तनाव जब हमारा खत्म हो जाता है, तो आई लाइक इट आई डोंट लाइक इट माइंड कहते हैं तृष्णा को, कि मुझे पसंद है, मुझे चाहिए, या मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो सोच है, यही हमारे जीवन में, जब ये सोच आधार बन जाता है हमारे विचारों का, तो यही दुख में जाकर संपन्न होता है, कि मैं ये चाहता था लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं, और मैं चाहता था और वो हो गया, तो मेरे मन में फिर चिंता होती है कि अभी ये खोना नहीं चाहिए, अभी ये बदलना नहीं चाहिए, हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। जो नहीं चाहता था वो अगर हो जाए, तो हमेशा मन में ये इसमें रहता है कि ऐसा क्यों हो गया, वो अभी होने की आशंका हो तो मन में शंका में हमेशा रहता है कि जो मैं नहीं चाहता वो ना हो जाए मेरे साथ। तो
ये शंका, ये तनाव जो है, ये जैसे ही इसको शांत करते हैं तो खुद ब खुद हमारे अंदर से एक खुशी, एक वो जैसे आपने कहा एक स्वाभाविक एक प्राकृतिक खुशी जो होती है वो, उससे हम परिचित होते हैं। ऐसा भी नहीं कि उसको उत्पन्न करते हैं। उसको दबाने वाला जो तनाव है, जो तृष्णा है, केवल उसको हटाने से हम वापस उस खुशी से परिचित हो सकते हैं। राजीव जी बोलिए सवन। प्रशांत जी को दो क्वेश्चन है। प्रशांत जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? प्रशांत जी वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आप म्यूट पर हैं। चलो मैं एक्चुअली चैट पर प्रशांत जी ने चैट में पूछे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेत्ता आफ्टर आनापान विपासना भावना एंड दिस मेत्ता, इज दिस नॉट इंड्यूस्ड वर्सेस नेचुरल? प्रशांत जी आप पूछना चाहेंगे सवाल? आप म्यूट पर हैं। शायद उसका उन लोगों का ऑडियो प्रॉब्लम होगा। अच्छा, मगर मेरे को लगता है कि प्रशांत जी का क्वेश्चन ये है, मेत्ता और नॉर्मली थोड़े लोग आनापान और विपासना के बाद मेत्ता करते हैं, अपन तो यहाँ पे ओनली मेत्ता ही कर रहे हैं, तो एक तो क्या है? जैसे मैंने पहले बताया, मित्ता या श्वास जो है, आनापान जो है, ये हमारे साधना का एक आलंबन है, एक आधार है। हमारा सारे जो साधना है वो ऐसे रहते हैं कि मैं ध्यान रख रहा हूँ इस एक वस्तु पर, जैसे मेरा ध्यान भटकेगा मैं उसको वापस लेकर आऊँ। यही आधार है हर एक प्रैक्टिस का। तो इसमें श्वास के जगह हम मैत्री की भावना यूज करें, तो ये दोनों अलग वाहन हैं। दोनों के जो फायदे हैं, जो खासकर मैत्री की जो फायदा है, का जो फायदा है वो मैंने बताया। तो मैत्री कोई इस पर डिपेंडेंसी नहीं है कि आनापान या श्वास करने के बाद ही हम मैत्री कर सकते। दूसरा जो विपासना जो सिखाया जाता है, इससे थोड़ा एक अंतर है जो हम साधना कर रहे हैं। इसमें शमथ और विपासना दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ी टिप्पणी करता हूं मैं। शमथ जो है वो हमारे मन को, तो सबसे पहले जो अभी तक हमने बात करी कि हम साधना क्यों करते हैं, हम जो मेडिटेशन करते हैं इससे क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके आउटकम्स बहुत सारे हैं, इससे फायदे हैं, सबने सुना है या महसूस किया है कि संतुष्टि, एक मन की क्षमता बढ़ाना, ये सब फायदे हैं। फायदों के बारे में नहीं मैं बात करता हूँ, मैं केवल ये बात करता हूँ कि इसका कौन सी क्षमता है, कौन सी कुशलता है जो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारी क्षमता है, जो हमारी जो कुशलता हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है कि हमारा मन जब भटके तो उसे इस प्रक्रिया को पहचानना और उसको एक स्थिरता लाना, ताकि हम मन के भटकाव, मन के हिलने, ध्यान के डगमगाने को पहले ही पहचान पाएं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल उस विचार से जुड़ जाएं, वही विचार हम बन जाएं, उसके बाद बहुत देर के बाद हम समझ पाएं कि हमारा ध्यान इस विचार में बिल्कुल उलझ गया। ठीक है, ये हम करना चाहते हैं। अब
शमत क्या करता है, समता शमत जो कहते हैं, ये एक आपके लिए एक स्थिर बेस या फाउंडेशन बनाता है, ठीक है। तो ये जैसे ये हम मन के ध्यान के हिलने की प्रक्रिया को देखना चाहते हैं, लेकिन हमारा क्या है, मन बार 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 हिल रहा है, एक वस्तु पर नहीं रह रहा है ना। तो समत में क्या होता है, जैसे हम गहरा जाते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मंगल मैत्री की भावना के साथ रहते हैं, आधे घंटे बैठते हैं, फिर आप खुद ही पौने घंटे, घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे बैठ पाएंगे बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के। तो जैसे हम ज्यादा समय तक भेजते हैं तो बैठते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन और स्थिर स्थिति में पहुंचते जाते हैं, जिसे हम झाना कहते हैं इसमें पाली में, या ध्यान के अलग अलग स्तर होते हैं, आठ स्तर होते हैं। तो हम धीरे धीरे इन स्तरों में पहुंचते हैं, इस स्तर में हमारा मन बहुत स्थिर होता है, हमारे मन में ज्यादा देर तक हमारे जो साधन है हमारी साधना का उस पर रहता है। अभी जैसे शुरुआत में शरद जी ने कहा कि एक सेकंड से ज्यादा नहीं रह पा रहा, तो जैसे हम अलग अलग ध्यान के स्तर पर जाते हैं तो हमारा मन ज्यादा देर तक आराम से स्थिरता से अपनी ध्यान के आलंबन पर रहता है, और जो जैसे ये डगमगाने लगता है किसी विचार से, या तो उसी समय वो शांत हो जाता है क्योंकि हमारा ध्यान भटक नहीं रहा है उस दूसरे विचार पर, या अगर भटक भी जाए तो उसे बहुत जल्दी पहचान लेता है। तो ये जो हम पहचान रहे हैं मन का भटकना, इस प्रक्रिया को जो पहचानते हैं, इसे विपासना कहते हैं। इनसाइट, जो हमारा ध्यान जो इधर से उधर भटकता है, ये समझना, इसका जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे विपासना कहते हैं। और ये ध्यान प्राप्त करने के लिए जो एक स्थिर स्थल चाहिए हमें, और ये जो स्थल बढ़ते रहते हैं उसको समता या क्षमता कहते हैं, ये जो स्टेबिलिटी है। अगर आप एक किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत महीन अक्षरों में लिखा है किताब में, तो वैसे ही वो आसान काम नहीं है, लेकिन वो चलती हुई गाड़ी में आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो और मुश्किल हो जाए। तो उसको पढ़ पाने की जो क्षमता है, जो कुशलता है, वो एक चीज है जो कि हम विपासना के जरिए हम मन के भटकने के, ध्यान के भटकने की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। और ये समझ पाने की कुशलता और बढ़ाने के लिए, अगर हमें स्थिर स्थल में एक फाउंडेशन जो स्टेबल है, कि हम गाड़ी की जगह हम मेज पर बैठ के आराम से किताब को पढ़ रहे हैं, तो वो ज्यादा आसान होता है। तो ये दोनों साथ में चलते हैं, कि जितने आपका मन स्थिर होगा उतने आसानी से आप ये इनसाइट्स या ये विपासना आपके मन की प्रक्रिया के बारे में पा पाओगे। तो यहाँ जो हम कर रहे हैं शमत विपश्यना में, ये अंतर है कि, तो ऐसा हुआ है कि गौतम बुद्ध ने जब सिखाया ये साधना, तब से बहुत समय गुजर चुका है, पहले 400-500 साल तो लिखित भी नहीं था कहीं, एक ओरल ट्रेडिशन में ये आगे बढ़ा था। तो अब क्या हुआ कि समय गुजरते गुजरते अब ये शमत और विपश्यना जो है, ये दोनों अलग अलग प्रैक्टिस बन गए, कि एक में है कि मैं बस कॉन्सेंट्रेट करूंगा, मेरा दिमाग यहाँ पे रखूंगा, उस टाइप से सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो मन जो भटकता है, जो तृष्णा पैदा होती है, जैसे धीरे धीरे हम किसी विचार को निजी मानना शुरू करते हैं, उसमें खो जाते हैं, उससे उत्तेजित हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, ये चीज नहीं समझ पाते, बस हम मन ऐसे रखते हैं। जो इस टाइप से प्रैक्टिस करते हैं वो ध्यान में बैठे होंगे, आप आके उनको उनको छुओगे, कुछ करोगे, कहीं पास में पटाखा भी फटे उनको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा वो उस चीज पर बैठ गए। लेकिन विपश्यना नहीं तो उनका मन हिलता नहीं है, लेकिन इससे क्या दिक्कत होती है, इससे हम सीख नहीं रहे हैं कुछ कि हमारा मन भटकता कैसे, क्योंकि दैनिक जीवन में तो ऐसे हम नहीं बैठ पाएंगे, दैनिक जीवन में हमारा मन भटकेगा,
जितनी जल्दी हम वो समझेंगे और जो एक जो भावुक होने उत्तेजित होने की प्रक्रिया हम समझेंगे उतने आराम से हम उसको कुशलता के साथ डील कर पाएंगे ना। तो सिर्फ समझ करने से आप सीख नहीं पाते कि आपके मन की प्रक्रिया कैसे होती है, और आप जो सिर्फ अगर विपश्यना करते हैं, आप सिर्फ जो मन आगे पीछे जा रहा है वो जो सीखते हैं, तो जब तक आपका मन ज्यादा स्थिर नहीं होता तो उतनी गहराई से नहीं उसको समझ पाते। जितना आपका मन स्थिर होगा, और तब आप देख रहे हैं कि जैसे आप क्रिकेट में स्लो मोशन रिप्ले देखते तो आपको सब समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे इसने गलती करी, यहाँ बैट और पैड के बीच में गैप छोड़ दिया, उसीलिए आउट हुआ। तो जितना आप स्थिर तरीके से एक स्लो मोशन में आप वो देख पाए, जो कि आपके समझ की शक्ति है, लेकिन वो मुमकिन तभी है जब ये दोनों साथ में, तो मन की स्थिरता और मन के प्रक्रिया को से परिचित होना, ये दोनों साथ में करना जरूरी है। तो आप ये बोल रहे हो कि अपना मंगल मैत्री का इस साधना से उस समता और विपश्यना दो मिलकर चल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा। और इसमें मंगल मैत्री सिर्फ एक वाहन है जो कि इस साधना के लिए बहुत अच्छा है। तो ये स्थिरता जो शमत वाली जो चीज है, इसके लिए मंगल मैत्री श्वास से ज्यादा ज्यादा तेजी से ये स्थिरता लाती, क्योंकि तनाव क्या होता है, तनाव हमेशा इससे पैदा होता है कि हम अपने फायदे और अपने नुकसान के बारे में सोच रहे हैं। तो जब हम मंगल मैत्री किसी और को भेज रहे हैं, ये हमारा जब साधन है, तो खुद ब खुद वो तृष्णा थोड़ी कम हो जाती है कि हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, हम दूसरे को जब भेज रहे हैं कि हम अपने फायदे नुकसान की नहीं सोच रहे, तो इससे ये ज्यादा स्थिर रहता है। और दूसरा जो है, तो ये आप श्वास के साथ भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि श्वास के साथ शमत विपश्यना नहीं कर सकते, शमत विपश्यना कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है जो हमारा रिलैक्स स्टेप है और स्माइल स्टेप है। तो क्या होता है कि जो अगर आप सिर्फ शमत करते हैं तो आपका मन ऐसे क्या होता है कि रिलैक्स नहीं होता, और आप स्माइल नहीं करते हैं तो आपकी तृष्णा इतनी बढ़ जाती है, वो आपके श्वास या कोई आप और साधन ले उस पे इतनी जोर की अटक जाती है कि आप मन का जो इधर से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे जाने की प्रक्रिया के बारे में आप सीख नहीं पाते। तो रिलैक्स स्टेप से हम ऐसे स्थिति में पहुंच रहे हैं कि हमारा मन स्थिर है, लेकिन जो आसपास चीजें हो रही है, कोई आवाज आएगी, आपको वो आवाज सुनाई देगी लेकिन आपका मन डगमगाएगा नहीं, वो स्थिर हो गया, वो सुन रहा है, आपके कोई आके छूता है आपको उसका एहसास हो रहा है, लेकिन आप डगमगा नहीं रहे, क्योंकि वो जैसे ही वो मन डगमगाने लगता है वो स्थिर हो जाता है। तो ये हम कोशिश करें, ये दोनों जब साथ में होती हैं तो हमारी हमारा आध्यात्मिक कुशलता का विकास बहुत तेजी से होता है। थैंक यू। प्रशांत का जो प्रश्न है उसमें उसने नीचे पूछा है कि इज इट इंड्यूस्ड वर्सेस नेचुरल, मतलब यहाँ एक मान्यता है भारत में जो विपश्यना की परंपरा है उसमें एक मान्यता है कि जो रियलिटी है उसी को ऑब्जर्व करना है, इंड्यूस्ड रियलिटी को नहीं। तो मंगल मैत्री को हम एक क्रिएटेड ट्रूथ के रूप में देख रहे हैं, इंड्यूस्ड रियलिटी के रूप में। तो क्या इसमें मतलब हिडन क्वेश्चन प्रशांत का ये होगा कि क्या भगवान बुद्ध ने ऐसा भी सिखाया है मंगल मैत्री की साधना से आरंभ करना, या सिर्फ रियलिटी देखना सिखाया? भगवान बुद्ध ने अपने पुत्र को मंगल मैत्री की साधना सिखाई है, तो मुझे लगता है कि वो मंगल मैत्री की साधना हमारे सीखने में कोई बुराई नहीं है। हमें जो रियलिटी है हमारे लिए अभी एक मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी है, एक हमारी मानसिकता से उत्पन्न होती है। तो जो मंगल मैत्री है वो केवल एक साधन है, तो हमारे मानसिकता से जो उत्पन्न हो रही है बाकी चीजें वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मंगल मैत्री केवल एक उसके लिए साधना है।
मधुसूदन जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे ये इंड्यूस रियलिटी? हाँ, ऐसा है, मेंशन करना चाहेंगे भगवान ने जो सम्यक व्यायाम बताया है उसमें चार प्रकार के व्यायाम बताए, उसमें भगवान ने कहा है कि जैसे गोयनका जी भी बताते कि हमारे अंदर जो सद्गुण नहीं है उनको आपको बाहर से लाना है और जो सद्गुण पहले से अंदर है उनको बढ़ाना है, तो इसमें मंगल मैत्री आती है। और फिर भगवान के जो प्रवचन है सूत्र है उसमें हमने देखा है कि मंगल मैत्री का उल्लेख कई बार है, आनापान से भी ज्यादा मंगल मैत्री का उल्लेख आता है। और फिर सबसे पुराना ग्रंथ त्रिपिटक में सुत्त निपात माना गया है, तो सुत्त निपात में कई बार मंगल मैत्री का उल्लेख है और आनापान सति का उल्लेख सुत्त निपात में है ही नहीं। और कई सूत्रों में जैसे अभी आपने राहुल के बारे में बताया, राहुलोवाद सूत्र जो है उसमें भगवान ने पहले मंगल मैत्री की साधना बताई है और अंत में आनापान बताया। तो मंगल मैत्री की जो साधना है ये हम भगवान बुद्ध की शिक्षा के अनुरूप ही कर रहे हैं, इसे ऐसा मानने की जरूरत नहीं कि एक इंड्यूस्ड रियलिटी है और वो एकदम बेयर रियलिटी है। तो दोनों की साधना भगवान बुद्ध ने बताई है। हमारा सत्र अब अगले 7 मिनट में समाप्त होने वाला है, कोई और प्रश्न हो तो मेरे ख्याल से एक और प्रश्न हम ले सकते हैं। अगर कोई दूसरा प्रश्न नहीं है तो मैं फिर से आपसे विनती करता हूँ, ये जो पसम भयम है तनाव को ढीला करना और शांत करना, वो कैसे करना है जरा थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। तो ये एक ये जो 6 कदम है हमारे हमारे ध्यान को किसी विचार से वापस हमारे आलंबन तक लाने का, तो इसमें जो ये रिलैक्स स्टेप है या ट्रैंक्विलाइज स्टेप है जो शांत या ढीला करने वाला, तो इसमें सबसे कठिनाई इसी में होती है इसको पहचानने में और इसको करने में। तो फिर मैं एक बार समझाना चाहूंगा कि जब भी कोई विचार आता है, कोई स्पर्श होता है, ठीक है, ये स्पर्श हो सकता है हमारे त्वचा पर, हो सकता है हमारे आंखों पर रोशनी का स्पर्श, हो सकता है हमारे कानों पर ध्वनि का स्पर्श, हो सकता है जो 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, तो जो हम आम तौर से सीखते हैं, और जो हमारा मन है, मन पे किसी विचार का स्पर्श हो सकता है। तो ये जब स्पर्श होता है तो एक जो देखने सुनने या सूंघने की जो क्षमता होती है, जो विज्ञान होता है, वो एक रोशनी, एक ध्वनि या एक महक, ये चीज, और हमारे आंख, कान, नाक, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ये तीनों जब मिलते हैं तो स्पर्श होता है। सो स्पर्श जैसे ही होता है तो इससे एक वेदना आती है, ये वेदना या तो अच्छी होती है या बुरी दुखदायक होती है, या इस वेदना ना दुखदायक ना सुखदायक होती है, कि आपने कोई अच्छी एक फूल देखा, एक सुंदर फूल देखा, या तो एक सुखदायक वेदना उससे आएगी, एक कचरा आपने देखा तो दुखदायक आएगी, या आपने एक मेज देखा जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो एक न सुखदायक न दुखदायक वेदना उत्पन्न होगी। तो स्पर्श हुआ, एक वेदना उत्पन्न हुई, इस वेदना के बाद हमारी तृष्णा की प्रक्रिया होती है कि ये मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, या इसको मैं इस पर बिल्कुल ध्यान ना दूं, ये एक प्रक्रिया शुरू होती है
ये हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है कि अगर आप आग पर आपका हाथ चला जाता है तो ये दुखदायक वेदना है, ये समझना और ये मुझे पसंद नहीं है, ये तृष्णा पैदा होना, यहीं से हम उस कर्म पर पहुंचते हैं जब हम अपना हाथ वहां से हटा देते हैं। तो यहाँ से तृष्णा शुरू होती है, इसके बाद हमारे मन में उस घटना के आसपास और विचार और कहानियां बनने लगती हैं, और जैसे हमारी आदत होती है उस तरीके से हमारे कर्म बनने शुरू होते हैं। तो ये तृष्णा के आधार पर ही एक विचार आगे तक जाता है, जहां तृष्णा खत्म हो जाती है कि ये चीज मेरे लिए मायने नहीं रखती है या इस चीज पर मुझे ध्यान नहीं रखना। आपने मेज देखा, उस मेज से आपको कुछ करना नहीं है, न सुखदायक था न दुखदायक, तो आपने उस पर ध्यान और नहीं रखा और वो विचार वहीं खत्म हो। तो तृष्णा के आधार पर ही ये आगे बढ़ते हैं विचार। तो ये जो तृष्णा है, ये इसका लक्षण है कि हमारे मन के आसपास एक तनाव पैदा होता है। तो ये तनाव है जो कहता है कि मुझे इस विचार पर आगे जाकर कुछ क्रिया करनी है, कुछ प्रक्रिया लेनी है, कुछ एक्शन लेना है मुझे इस, ये जो स्पर्श हुआ इस पर। तो ये जो तृष्णा है, ये हमारे मन के आसपास एक तनाव की तरह उत्पन्न होता है। तो आप जैसे किसी एग्जाम कभी दें जैसे, और एग्जाम से बाहर निकलते ही आपके मन में एक हल्कापन, एक ढीलेपन का एहसास होता है, वो इसलिए कि उस परीक्षा देते समय सारे टाइम आपका मन कृष्णा में रहता है कि हाँ मुझे ये पास होना है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, तो वो एक कृष्णा हमेशा उसको पकड़ के रखता है। तो यही जो एक जो ढीला होने का एहसास है, और आपके दैनिक जीवन में भी आप देखिए, जब भी आप उत्तेजित होंगे, भावुक होंगे, तो आपके मन में वो तनाव होगा, किसी चीज पर आप नाराज हो गए या किसी चीज के पीछे आप भाग रहे हैं, आपको बस पकड़ना है उसके पीछे भाग रहे हैं, या कोई चीज आपका आपका काम बन नहीं रहा है, तो इसके इस समय भी आप अगर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपके मन के आसपास तनाव पैदा होता है, और बहुत मुस्कुराने से भी दैनिक जीवन में ये तनाव थोड़ा हल्का होता है। तो इससे आप धीरे धीरे परिचित होंगे, और यही हमारा तीसरा कदम है, रिलैक्स्ड है कि इस तनाव से हमें परिचित होना है और इस तनाव को ढीला करना है। ये हमारे ज्यादातर हमारे सर के आसपास आता है, हमारे जो ब्रेन के आसपास एक मेम्ब्रेन होता है, तो एहसास हमें ऐसा होता है कि वो मेम्ब्रेन हमारे ब्रेन पे टाइटन हो रहा है, तो मेनिंजिस कहते हैं। तो उस तरीके का एहसास होता है कि किसी ने हमारे मन पर जकड़ लिया, दिमाग पर जकड़ लिया। तो ये एहसास धीरे धीरे पहचान के जैसे हम इसको ढीला करना सीखेंगे, तो उससे हमारा उस विचार से जो एक तृष्णा के आधार पर हम उस विचार में फंसे हुए होते हैं, तो वो वहां से वापस आना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हम स्माइल करते हैं तो ये तनाव और कम हो जाता है। तो ये इस तनाव से परिचित होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, धन्यवाद राजू जी। तो अभी हम प्रार्थना लेंगे, सभी लोग माइक ऑन कर सकते हैं, मेरे पीछे पीछे बोल। मेरा मंगल हो रे, तेरा मंगल हो रे, मेरा मंगल हो रे, सबका मंगल हो रे,
सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी आपका बहुत धन्यवाद। अगले रविवार को हम इसी समय मिलेंगे शाम को 6 बजे। तब तक सभी ने घर पे साधना करनी है हर रोज। मिलेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, राजू जी बंद करें।